हेलो एवरीवन, वेलकम टू सविस्ता खान किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी राजस्थानी बेसन गट्टा, जिसके लिए हमने बेसन लिया है 1.5 कप, ऑयल, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो पेस्ट एंड ऑनियन पेस्ट। ये हमने गट्टा बनाने के लिए लिए हैं। ये अजवाइन है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिल्ली, हींग। सबसे पहले हमने बाउल ले लिया, बाउल में ये हम बेसन डालेंगे। इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने लिए थे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है ऑयल डालकर। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमारे गट्टे का मिक्सचर पतला ना हो। इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे और इसको आटे की तरह टाइट भून लेंगे। ये हमारा आटा लग चुका है। अब इसको हम पतले पतले आकार में रोल करेंगे। हमको इतना इतना लेना है बेसन। थोड़ा सा तेल लगाना है हाथों पर ताकि ये हमारा हाथों पर चिपके नहीं। ये देखिए, ये हमारा एक रोल बन चुका है। इसी तरह से हमें ये बाकी के रोल भी इसी तरह बनाने होंगे। फिर से हमें ये करना है, ऑयल लगाकर फिर से ऐसे ही पतला पतला बेलना है। ये हमने सभी रोल बना लिए हैं। अब इसको हम पानी में बॉईल कर लेंगे। पानी हमने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके ये इसी तरह से हमें बाकी के रोल भी डालने हैं। ये हमने रोल डाल दिए हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम पानी में ही बॉईल करेंगे। जब तक हमारे रोल बॉईल होते हैं ना, हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे खड़े गर्म मसाले। इसको 2 सेकंड तक फ्राई करेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ये सूखे मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी धनिया, और इसको भी 1 सेकंड तक फ्राई करेंगे। 1 सेकंड हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी 1 से 2 सेकंड तक फ्राई करना है। अब डालेंगे इसमें ऑनियन पेस्ट, इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें डालेंगे टमेटो पेस्ट और इसमें हल्का सा पानी डालकर ढककर पकाएंगे। टमाटो मसाला हमारा भुन रहा है। अब इसको हम चेक कर लेंगे। गट्टे हमारे बॉईल हुए हैं, गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। गट्टे हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हम ज्यादा बड़े पीसेस में नहीं काटेंगे। एक एक करके हमें सारे गट्टे काट लेने हैं। गट्टे हमने सारे काट लिए हैं। अब हम मसाला चेक कर लेंगे। मसाले को हम चेक कर लेते हैं।
देखिए मसाला भी हमारा काफी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। पानी इसमें कम ही अच्छा लगता है, वरना पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। इसको हम एक उबाल आने तक पकने देते हैं, तो हम ढक कर के पकाएंगे। हमारा एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम गट्टे डाल लेंगे जो हमने बनाए थे, और इसको 2 से 3 मिनट तक ढक कर के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से गट्टों में चला जाए। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से गट्टों के अंदर चला गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये हमारा राजस्थानी गट्टा बन चुका है। ये बहुत ही इजी होता है, इसको राजस्थान के लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी अपने किचन में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।